सवाल नंबर एक, किस शहर में लाल रंग की कार रखना गैर कानूनी है? सही जवाब, दोस्तों चीन के शंघाई शहर में अगर आपने लाल रंग की कार खरीदी तो आपको जेल हो सकती है। इस शहर में लाल रंग की कार रखना गैर कानूनी है। सवाल नंबर दो, जब हम लिफ्ट में होते हैं तो फोन में नेटवर्क क्यों नहीं मिलता? सही जवाब, दोस्तों सभी लिफ्ट मेटल धातु से बनी होती है और चारों ओर से बंद होती है। सेल फोन विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग संकेत भेजने और प्राप्त करने के लिए करती है, लेकिन लिफ्ट स्टील से बनी होती होने के कारण यह सिग्नल ब्लॉक करती है और हमें नेटवर्क नहीं मिलता। सवाल नंबर तीन, मुंह से पेट तक खाना पहुंचने में कितना समय लगता है? सही जवाब, दोस्तों मुंह में खाना चबाने के बाद जैसे ही हम उसे अंदर लेते हैं उसके 7 सेकंड में पेट में चला जाता है, यानी खाने को मुंह से पेट तक जाने में सिर्फ 7 सेकंड का समय लगता है। सवाल नंबर चार, आजादी के समय 1 ग्राम सोने की कीमत कितनी थी? सही जवाब, दोस्तों 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ था, तब सोने की कीमत 88.62 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वर्तमान में इसमें 600 गुना से भी अधिक की वृद्धि हुई है। सवाल नंबर पाँच, कि दुनिया में किस देश में लोग सबसे ज्यादा नॉनवेज खाते हैं? सही जवाब, दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा नॉनवेज अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में खाया जाता है, वहीं दुनिया में सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग इजराइल और भारत में हैं। सवाल नंबर छह, एफिल टावर की फोटो रात में खींचना क्यों गैर कानूनी है? सही जवाब, दोस्तों क्योंकि एफिल टावर पर लगी लाइट्स के डिजाइन पर उसके कलाकारों का कॉपीराइट है। यूरोप के कॉपीराइट कानून के मुताबिक कॉपीराइट वाली चीजों की तस्वीरें खींचना नियम का उल्लंघन है, इसलिए रात में फोटो खींचना गैर कानूनी है। सवाल नंबर सात, किस बॉलीवुड सिंगर का नाम गिनीज बुक में दर्ज है? सही जवाब, दोस्तों बॉलीवुड की फेमस गायिका पलक मुच्छल ने अब तक 1300 से भी ज्यादा बच्चों के दिल का ऑपरेशन किया है, इसलिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में और लिम्का बुक में दर्ज है। सवाल नंबर आठ, किस देश के लोग भारत में घूम नहीं सकते? सही जवाब, दोस्तों सभी देशों के लोग भारत में घूम सकते हैं, लेकिन उत्तर कोरिया के लोग भारत में घूम नहीं सकते। यहाँ रहने वाले लोग यहाँ के तानाशाह किम जोंग उनके इशारों पे चलते हैं और किम उन्हें बाहर जाने की या कुछ भी करने की इजाजत नहीं देता। सवाल नंबर नौ, पक्षियों का राजा किसे माना जाता है? सही जवाब, दोस्तों ईगल को पक्षियों का राजा कहा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में भी पक्षियों का राजा गरुड़ को कहा गया है। सवाल नंबर 10, जर्मनी में हर साल कितने बम मिलते हैं? सही जवाब, दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के 76 वर्ष बाद भी जर्मनी में निर्माण कार्यों के दौरान नियमित रूप से उस समय के जिंदा बम मिलते रहे हैं। 2020 में बर्लिन के पास जमीन के अंदर से 7 जिंदा बम मिले थे, वही 2021 में 500 किलो का जिंदा बम मिला है। सवाल नंबर 11, अमेरिका को यूएसए क्यों कहा जाता है? सही जवाब, दोस्तों यूएसए का फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता है, इसको हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। यूएसए अमेरिका का शॉर्ट फॉर्म है यह, क्योंकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर 50 राज्यों से बना है। सवाल नंबर 12, किस पेड़ की सुरक्षा 24 घंटे की जाती है? सही जवाब, दोस्तों इस पेड़ को बोधि वृक्ष कहा जाता है और इसे श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने लगाया था। यह वही बोधि वृक्ष की टहनी है जिसके नीचे गौतम बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, इसलिए 24 घंटे इसकी सुरक्षा देखभाल के लिए परमेश्वर तिवारी सहित 4 होमगार्डों की तैनाती रहती है। सवाल नंबर 13, क्या हमारे शरीर का एक फेफड़ा छोटा होता है? सही जवाब, जी हाँ दोस्तों, हमारे शरीर का बाएं साइड का फेफड़ा छोटा होता है क्योंकि हमारे शरीर के बाएं भाग में दिल होता गया और दिल को जगह मिल सके इसलिए बाएं साइड का फेफड़ा छोटा होता है। सवाल नंबर 14, भारत में वाहनों की लाइट अब दिन में भी क्यों जलती रहती है? सही जवाब, दोस्तों भारत में सबसे अधिक दुर्घटना दुपहिया वाहन चालकों की होती है, इसलिए सरकार ने इन सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी करने के लिए सभी दुपहिया वाहनों की लाइट ऑन रखने का फैसला किया है, जिससे धूल, बरसात, घने कोहरे और भारी ट्रैफिक में वाहन चालक दूसरे वाहन को देख पाएंगे। सवाल नंबर 15, क्या खुशी का पहला आंसू दाहिनी आंख से आता है? सही जवाब, दोस्तों खुशी में लोगों के आंसू नहीं बल्कि आंखें भर आती है या आंखों में पानी आ जाता है और कभी कभी आंखें खुशी से छलक जाती है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दुख का पहला आंसू बाई ओर से निकलता है। सवाल नंबर 16, पनीर कितने दिन में खराब नहीं होता?
सही जवाब। दोस्तों आमतौर पर पनीर दूध से बनाया जाता है जो 3 से 4 दिनों में खराब हो जाता है, लेकिन अगर पनीर को एक प्लास्टिक के डिब्बे में पानी डालकर फ्रिज में रखा जाए तो 1 हफ्ते तक रह सकता है। सवाल नंबर 17, एक केले में कितनी एनर्जी होती है? सही जवाब। दोस्तों केला खाने से तुरंत एनर्जी मिलती है और ये आसानी से पच भी जाता है। एक मीडियम साइज के केले में 105 कैलोरी पाई जाती है, वही 2 केलों में 90 मिनट तक कड़े व्यायाम करने के लिए ऊर्जा होती है। सवाल नंबर 18, पति को परमेश्वर क्यों कहा जाता है? सही जवाब। दोस्तों इसके पीछे वजह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को बताया जाता है। माना जाता है कि जिस तरह माँ लक्ष्मी हमेशा विष्णु भगवान के समीप रही है, उसी प्रकार पत्नी को भी पति को ही अपना भगवान मानना चाहिए। शादी के दौरान पति और पत्नी जब 7 फेरे लेते हैं तो वो उस समय 7 वचन भी लेते हैं। सवाल नंबर 19, भारत के किस शहर को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है? सही जवाब। दोस्तों लद्दाख को भारत का कोल्ड डेजर्ट यानी ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है और यहाँ जाना किसी भी टूरिस्ट के लिए कभी न भूलने वाला एक्सपीरियंस होता है। सवाल नंबर 20, दुनिया के सबसे पहले परमाणु बम का नाम क्या है? सही जवाब। दोस्तों अमेरिका ने साल 16 जुलाई 1945 को न्यू मेक्सिको के रेगिस्तान में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। इस मिशन को नाम दिया गया था ट्रिनिटी, वही परमाणु बम को द गैजेट नाम दिया गया था। सवाल नंबर 21, 2 मुंह वाले सांप किस मुंह से खाना खाते हैं? सही जवाब। दोस्तों 2 मुंह वाले सांप चूहे खाते हैं। 2 मुंह वाले सांप अक्सर खाने के लिए लड़ते दिखते हैं। कई 2 मुंह वाले सांप के पेट भी अलग अलग होते हैं, बस उनकी पूंछ एक होती है। सवाल नंबर 22, ट्यूबलाइट में चौक का उपयोग क्यों किया जाता है? सही जवाब। दोस्तों जब हम सप्लाई को ऑन करते हैं तो शुरुआती विद्युत धारा का मान बहुत ज्यादा होता है। यह विद्युत धारा ट्यूबलाइट को खराब कर सकती है, इसलिए विद्युत धारा के मान को कम करने के लिए चौक का उपयोग किया जाता है। सवाल नंबर 23, दुनिया में सबसे पहले कैशलेस सिस्टम की शुरुआत कब हुई थी? सही जवाब। दोस्तों दुनिया में सबसे पहले कैशलेस सिस्टम की शुरुआत स्वीडन में हुई थी, इसके बाद पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल होने लगा। सवाल नंबर 24, पीपल के पेड़ पर धागा क्यों बांधते हैं? सही जवाब। दोस्तों पद्म पुराण के अनुसार पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का रूप है। महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए या कोई व्रत करने पर पीपल के पेड़ पर धागा बांधती है और उसकी पूजा करती है। सवाल नंबर 25, ज्यादातर अमीर लोग गंजे क्यों होते हैं? सही जवाब। दोस्तों कहा जाता है कि अगर आदमी गंजा है तो इसका मतलब है कि उसके पास खूब पैसा है और वो बहुत अमीर है। एक अध्ययन के अनुसार गंजे पुरुष ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। जो लोग ज्यादा बुद्धिमान हैं उनका अमीर होना तो तय है। रिसर्च में पाया गया है कि जो गंजे होते हैं वो लंबे और बुलंद आवाज वाले भी होते हैं और उनकी बातें बहुत सटीक होती है। उनका व्यक्तित्व किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। दोस्तों अब तक के सभी वीडियो की लिंक नीचे पिन कमेंट में दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।